एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर एमएससी एग्जामिनेशन बॉटनी, दैट इज़ ऑफ बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, पेपर 3 सेमेस्टर 1 का, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस थे हमें अटेम्प्ट करने थे और 10 ऑप्शंस आई थी। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, गिव करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड डिस्कस द एफिनिटीज विद एल्गी। तो कुछ नहीं, एफिनिटीज मतलब सिमिलरिटीज लिखनी थी एल्गी के साथ आपने, और ब्रायोफाइट्स के फीचर लिखने थे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आई थिंक आपने अटेम्प्ट किया ही होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, दैट इज गिव द प्रिमिटिव एंड एडवांस फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड ऑल्सो डिस्कस देयर एवोल्यूशनरी लाइंस। ये मैंने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराया था, अगर आपने उतना किया होगा तो वेल एंड गुड, आपके अच्छे मार्क्स जरूरी आने हैं। डिस्कस द ऑरिजिन ऑफ लैंड प्लांट्स विद रेफरेंस टू ब्रायोफाइट्स। मैंने टोटल बताया था आपको ऑरिजिन कैसे हुआ ब्रायोफाइट्स का एल्गी से या फिर टेरिडोफाइट्स, क्या क्या एवोल्यूशनरी थ्योरीज बताई थी, वो सब कुछ इसमें आना था। अगर आपने लिखा है तो वेल एंड गुड। डिस्कस द डिटेल ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको ढंग से कराए थे, बिल्कुल अच्छे से। अगर आपने तीनों किए हैं तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ जाए हम, तो उसमें से दो करने थे आपको। ठीक है, प्रोटोनीमा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मॉसेस। प्रोटोनीमा ये बहुत इजी था आपके पास। स्पारोफाइट ऑफ एंथ्रेसियोस, फॉर्म्स ऑफ केमेटोफाइट इन जुगरमेनियल्स। तो आपने जो भी किया होगा वेल एंड गुड। अगर सिक्स क्वेश्चन की बात करें हम, तो गिव द साइलेंट फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स एंड डिस्कस द एफिनिटीज विद जिम्नोस्पर्म्स। ये बहुत ईजी है, साइलेंट फीचर्स, सिंपल फीचर्स दिखाते टेरिडोफाइट के, एफिनिटीज दिखाते जिम्नोस्पर्म से, क्या सिमिलरिटी है उसकी। बस गिव द क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइट विच हैज बीन स्टडीड बाय यू। क्लासिफिकेशन अपनी टेरिडोफाइट की, फर्न्स का हिमाचल प्रदेश में क्या था, ये मैंने क्वेश्चन कराया था आपको अच्छे से। अगर आपने किया होगा तो वेल एंड गुड। 5 क्वेश्चंस तो मैंने ही करा दिए आपको, तो मतलब अगर वो 5 के 5 आपने किए होंगे तो आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दैट इज 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या था आपके पास, एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन करने थे आपने इसमें। ठीक है, हिटोस्पोरी एंड सीड हैबिटेट इन टेरिडोफाइट, स्लेजिनिला वाला आना था इसमें पूरा। एपोगैमी और एक्टिनोसीट और प्लेक्टोस्टील, ये भी मैंने नोट्स दिए थे आपके पास किसमें, टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने किया होगा तो वेल एंड गुड। हॉर्नियोफाइटन के दिए थे नोट्स आपको मैंने, इसमें से 3 करने थे आपको। सिजिलेरिया था, कैलेमिटीज थी आपके पास। नेक्स्ट था एंक्लोप्रेटाइटिस था। ठीक है, अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, और होप्स आपका एग्ज़ाम अच्छा ही हुआ हो। फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि यूटिलाइजेशन एंड रिसोर्सेज वाला है, मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। और जो जो आप टॉपिक्स चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ आपके लिए, प्लीज़ राइट इन योर कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक यू।